यूपी की सियासत में हलचल मचने की खबर है। राजा भैया और एसपी में गठबंधन की बातचीत है। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया से 5 सीट पर बातचीत है। राजा भैया से मिले हैं एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, और इस खबर को विस्तार देने के लिए अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है 24 के चुनाव से पहले? की सियासत में राजनीतिक हलचल मचाने वाली खबर है। देखिए, राजा भैया का जो प्रभाव है उनकी पार्टी का, वो सिर्फ प्रतापगढ़ में ही नहीं है बल्कि प्रतापगढ़ के आसपास प्रयागराज की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, और यहां तक बुंदेलखंड की भी कुछ सीटें हैं जहां पर उनकी पार्टी का प्रभाव माना जाता है। सुल्तानपुर में भी राजा भैया की पार्टी के असर की बात सामने, और ऐसे में राजा भैया की मुलाकात होना समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से, ये बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि राजा भैया की जो राजनीतिक ताकत है, उस राजनीतिक ताकत के साथ में समाजवादी पार्टी गठजोड़ की तैयारी कर रही है। और हमारी जानकारी यह है विवेक कि 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर की बातचीत हो रही है। अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उसका आधार है कि राजा भैया का अपने दम पर सीटें जिताने की क्षमता, जिस तरह से वो उन्होंने प्रतापगढ़ की सीट, प्रतापगढ़ की और उसके आसपास की सीटें, और जो असर है, और फिर राज्यसभा के चुनाव भी हैं, कई सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, बात समझना होगा, स्थानीय प्रभाव है वो है राजा भैया का, और जो गठबंधन की कोशिशें चल रही हैं तमाम पार्टियों को साथ में लेने की, उसमें समाजवादी पार्टी और जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है, उसके बीच का जो गठजोड़ है वो यूपी की राजनीति में एक बड़ी राजनीतिक हलचल मचा सकता है विवेक। और वो कौन कौन सी 5 सीटें हो सकती हैं, इस बारे में कोई जानकारी है क्या अभिषेक? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर में भी राजा भैया की पार्टी ने अपनी तैयारी कर रखी है। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं वहाँ तैयारी है। प्रतापगढ़ उनकी सीट है जिस पर कि वो कुंडा से वो विधायक है, प्रतापगढ़ में काफ़ी मजबूत हैं। कौशाम्बी में भी उनकी पार्टी की पूरी तैयारी है। उसके अलावा बुंदेलखंड महत्वपूर्ण है। देखिए, बुंदेलखंड में भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर कि उनकी तैयारी है। ये सारी तैयारियां हैं। और देखिए, हमारे साथ में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अक्षय प्रताप सिंह जो MLC वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूं आपसे। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से जनसत्ता दल यूपी की राजनीति में तैयारी कर रहा है अपनी प्रेजेंस को अच्छा करने की, कुछ ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की, और जिस तरह से राजा भैया लगातार दौरे कर रहे हैं अलग अलग जगहों के अपनी प्रेजेंस को पार्टी के बढ़ाने के लिए, ऐसे में ये जो मुलाकात है नरेश उत्तम पटेल की और राजा भैया की, इस मुलाकात का आप क्या असर देखते हैं यूपी की सियासी फिजाओं में? अक्षय जी, लेकिन ये जो मुलाकात की बात है, तो मुलाकात तो सभी दल से होती रहती है, बातचीत होती रहती है। अब जैसा आपसे पता चला, लेकिन हम तो बाहर हैं अभी, जानकारी हम क्षेत्र में है, लेकिन स्वाभाविक बात है कि जो भी पार्टी बनाएगा वो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्षय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, देखिए, एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि समाजवादी पार्टी का और राजा भैया का एक पुराना रिश्ता रहा है, एक पुराने राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, ये हम जानते हैं, और उसका यूपी की राजनीति में असर भी देखा गया है। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हम लोग बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और ऐसा कोई खटास भी हम लोगों के बीच में नहीं है, और कभी राजनीतिक उसमें किसी से इतनी दूरी नहीं होती है, किसी से राजनीति में कभी भी किसी से संबंध हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अक्षय प्रताप सिंह। तो अक्षय प्रताप सिंह MLC हैं। विवेक, देखिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण, वो बात ये कह रहे हैं कि अच्छे रिश्ते रहे हैं, ये उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी से, और ये भी कहा है कि अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। तो ये दोनों ही जो बातें उन्होंने कही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।